नमस्कार, मैं हूं श्री उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाला सफारा पूर्व के तुली राधानगर में इनकाउंटर हुआ है और इस इनकाउंटर में एक शख्स के मारे जाने की खबर है। कोई कुख्यात आरोपी था और इस बारे में वहाँ मौके पर मौजूद खबरदार संवाददाता अजहर शेख से जानकारी लेते हैं। अजहर जी, क्या जानकारी है, किसका इनकाउंटर हुआ है और उसके क्या आपराधिक रिकॉर्ड भी रहे? क्या सुनने में यह आया यहाँ पे कि एक हिस्ट्री सीकर था कोई, तो काफी दिन से फरार चल रहा था। पुलिस को कहीं से शिनाख्त मिली और उन्होंने उसको राधानगर में घेरा और इनकाउंटर किया और हिस्ट्री सीकर के पास से चाकू भी बरामद हुआ। और उसका नाम कुछ पता नहीं चल पाया? नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, हो रहा है। फिर भी गोविंद राणा के नाम से लोग बता रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस ने कुछ भी नहीं बोला है इस बारे में। लेकिन ये गोविंद राणा क्या हिस्ट्री सीटर बताया जा रहा है, क्या उसका बैकग्राउंड है? हिस्ट्री सीटर ही बताया जा रहा है, उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री सीटर का ही है। अच्छा अच्छा, और क्या जानकारी मिली है इस बारे में अभी तक? सर अभी पुलिस ही नहीं बोल रही है, उनका कहना है कि आगे की जो भी है वो जानकारी हम कॉन्फ्रेंस वगैरह में देंगे। अच्छा अच्छा, तो ये गोविंद राणा जो इसका इनकाउंटर हुआ है, क्या उसकी डेथ हो गई है? और क्यों पुलिस ने क्यों इनकाउंटर किया, क्या गोली चलाई, क्या किस कारण से, किस तरह से? सर जानकारी यही प्राप्त हो रही है कि काफी दिन से फरार चल रहा था, पुलिस की स्थिति खराब थी और कई सारे मामले इसके ऊपर दर्ज थे जिसके कारण पुलिस को खबर मिली और उन्होंने इनकाउंटर किया है। लेकिन क्या उसने कुछ पुलिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी, फायरिंग की होगी उसके जवाब में? हाँ, पुलिस फायरिंग तो नहीं, उसके पास हाथ में चाकू था, उसके लिए वो पुलिस की ओर बढ़ा लेते और पुलिस ने फिर फायर किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजहर शेख जी जानकारी देने के लिए। खबरदार संवाददाता अजहर शेख जी जानकारी दे रहे थे। नाला सफारा पूर्व के तुलिंज राधानगर में इनकाउंटर हुआ है, अभी तक बात साफ नहीं हुई है। गोविंद राणा नाम बताया जा रहा है, हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है आरोपी का नाम। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।